खबर है पंजाब से, जहां मां बगला मुखी मंदिर यज्ञशाला की स्थापना के लिए किया गया भूमि पूजन। जी हां, खबर है पंजाब के मोगा शहर में प्रमुख समाजसेवी देवप्रिय त्यागी ने मोगा शहर में मां बगला मुखी यज्ञशाला स्थापना की पवित्र भूमि का पूजन किया। उन्होंने बताया कि ये मोगा शहरवासियों का सौभाग्य है कि यज्ञशाला की स्थापना आज एकादशी के शुभ अवसर पर हुई और यहाँ आने वाले समय में पूर्ण विधि से हवन कराया गया। देवप्रिय त्यागी ने कहा कि गंगा सिर्फ आपका, चंद्रमा सिर्फ ताप का और कल्प वृक्ष अभिशाप का नाश करती है, लेकिन माँ बगला मुखी का दर्शन पाप, ताप और अभिशाप तीनों का नाश करता है। इसलिए माँ बगला मुखी का संग हमेशा करें जिससे आपका कल्याण हो। साहित्यचार नंदलाल प्रमुख सेवक माँ बगला मुखी मंदिर मोगा ने बताया कि बगला मुखी देवी को 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माना गया है। माँ के इस स्वरूप को तंत्र और स्थवन शक्ति के रूप में जाना जाता है। देवी बगला मुखी का प्राकट्य वैशाख शुक्ल अष्टमी अतिथि पर हुआ था। उन्होंने बताया कि हमें बच्चों में हमेशा अच्छे संस्कार पैदा करने चाहिए। यदि बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे तो समाज की छवि भी सुधरेगी। इसी मौके पर समाज की प्रमुख धार्मिक संस्थानों से भक्त पहुंचे, जिसमें संजीव शर्मा, विजय मिश्रा, नवदीप गुप्ता, विक्की मोगावाला, वरुण भल्ला, अनमोल शर्मा, सुशील ढिंगरा, रजनी सुख देव सिंह, दीपक शर्मा, अमनदीप जोशी, सुधीर सूद, तहलचंद शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, राहुल राठौर, रमेश अरोड़ा, राजेश शर्मा मौजूद थे। देखिए मोगा से देवेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। सबसे पहले जय माता दी। आज माँ बगला मुखी की यज्ञशाला यहाँ स्थापित हुई है और उसका आज भूमि पूजन किया गया आचार्य नंदलाल जी की अध्यक्षता में, और बड़ा ही सौभाग्य है मोगा वासियों का कि यज्ञशाला यहाँ स्थापित हुई है। यज्ञशाला और यज्ञ एक वैज्ञानिक पद्धति है जो आपके तन और मन को शुद्धि देती है, वातावरण को शुद्धि देती है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव लाती है। तो आज बड़ा अच्छा लगा कि माँ बगला मुखी के हवन के लिए, यज्ञ के लिए हम लोग हिमाचल जाया करते थे, लेकिन वो सेम पद्धति से जो यज्ञ की पद्धति होती है, नियम पद्धति होती है, उसी पद्धति से आचार्य नंदलाल जी यहाँ आगे से यज्ञ करवाया करेंगे और यज्ञशाला उसी रूप में विकसित होगी, उसी रूप में स्थापित होगी जैसे माँ बगला मुखी हिमाचल प्रदेश। सर, सावन का महीना चल रहा, बड़े पवित्र दिन होते हैं, सावन के मेले माँ चिंतपूर्णी का मेला शुरू होता है, कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासन की वहाँ पे जो लंगर लगाने की बंद कर दिए गए, लंगर नहीं लगेंगे, उसकी स्थिति काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? देखिए, प्रशासन को इजाज़त देनी चाहिए कहीं ना कहीं कोविड नियमों का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग कर सकते हैं, या मास्क का प्रॉपर वितरण करके, मास्क पहन कर, सैनिटाइजर करके हम लोग मेले को कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर निराशा बहुत है, डिप्रेशन में बहुत लोग हैं, अगर मेला इस तरह लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रभाव उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का आएगा। हाँ, नियमों को हम जरूर लेके चल सकते हैं, मास्क सभी पहने, सैनिटाइजर प्रॉपर वहाँ करते रहे, और ज़्यादातर लोगों ने अभी वैक्सीन भी ले ली है, एक वैक्सीन की डोज ले ली है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस मेले पर रोक लगानी चाहिए। सर, नियमों को ताकर में रखते हुए जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह सभी कुछ खोल दिया गया है, तो हिमाचल में ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कहीं ना कहीं नियमों को कई जगह ताक पर रखा जा रहा है। बच्चों के लिए अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है, अभी 18 प्लस को वैक्सीन लग चुकी है तो हम कॉलेज खोल सकते थे, कहीं ना कहीं वहाँ पर खतरा कम था, लेकिन स्कूल खोलना ठीक नहीं है क्योंकि ये थर्ड वेव भी बच्चों के लिए खतरनाक है और बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। मेरे हिसाब से स्कूल नहीं खोलने चाहिए, कहीं ना कहीं एक्सेस काम करता है, केवल पैसे इकट्ठा करने का काम है, तो वो कोई जरिया नहीं है। सर, आज जो यहाँ यज्ञशाला का निर्माण कार्य की नींव रखी गई है, तो उसमें हर महीने यज्ञ होगा या कैसे यज्ञ? वो श्रद्धा अनुसार है, जो भी यज्ञशाला करवाना चाहेगा, और तो बाकी पवित्र दिनों पर भी जैसे कभी एकादशी होगी, कोई त्यौहार हो गया, उस दिन तो यज्ञ पूर्ण विधि के साथ होंगी, लेकिन किसी भी दिन कोई जो भक्त है यज्ञ कराना चाहे तो यहाँ करा सकता है। तो माँ बगला मुखी का जो यज्ञ है वो हर महीने होता है, तो वो होगा जी यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल होगा, हर महीने होगा, पूर्ण विधि के साथ होगा, वो पूर्ण पद्धति के साथ होगा जैसे हिमाचल में।